हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके आज कैंडलस्टिक के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे पास 11 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब एक कैंडलस्टिक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बुलिश मारुबोजू, बेरिश मारुबोजू, डोजी, ग्रेवस्टोन जोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, पिन बार, स्पिनिंग टॉप और शूटिंग स्टार। सो इस कैंडलस्टिक के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रहेगा, एक सेकंड, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में सिर्फ दो ही कैंडलस्टिक रहते हैं, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। सो यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा कि ये कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ग्रीन कैंडल रहेगी तो उसका ओपन नीचे से चालू होगा, और अगर रेड कैंडल रही तो उसका ओपन ऊपर से चालू होगा। सो अभी यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई और यहाँ पर ऊपर गई और यहाँ पर ही क्लोज हो गई, ठीक है। सो इसका हाई और इसका लो, ये दोनों दोनों का भी सेम रहेगा, रेड में भी और ग्रीन में भी, ये दोनों का हाई और लो सेम रहेगा। सिर्फ ये बात ध्यान में रखना कि ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे से चालू होगा और रेड कैंडल में ओपन ऊपर से चालू होगा और नीचे पे खत्म होगा, ठीक है। और बीच में जो है उसको हम बॉडी बोलते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं इस ये जो बीच में है इसको बॉडी बोलते हैं। ये हो गई हमारी बॉडी। सो ये था हमारा बेसिक कैंडलस्टिक। सो चलिए अभी अलग अलग कैंडलस्टिक के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडलस्टिक, इसको बहुत स्ट्रांग माना जाता है। ये है हमारा बुलिश मारुबोजू और ये है हमारा बेरिश मारुबोजू, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर प्राइज ने ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन एक भी यहाँ पर आपको सेलर नहीं दिखाएंगे कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, यहाँ से भी थोड़ा बहुत नीचे आया, ये एक बार भी नहीं हुआ। सो यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ तक जाकर पूरा क्लोज हो गया। सो यहाँ इस कैंडल को हम पूरा, मतलब अच्छी तरह से, ये ग्रीन कैंडल है तो उसको एक हेल्दी कैंडल मानेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एक्टिव हुए। सो इसी तरह से है कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और यहाँ तक पूरा सेलर ने जोर लगाकर ये नीचे ला गया और यहाँ पर मार्केट क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसी वीक नहीं दिखाई दे रही, तो इसको हम बोलेंगे एक अच्छी सी हेल्दी कैंडल रेड वाली, वो की जो बोलती इसको बेरिश मारुबोजू कैंडल। सो ये हमारे मार्केट के स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको माना जाता है। ये है बुलिश मारुबोजू और ये है बेरिश मारुबोजू। सो ये थी हमारा सेकंड कैंडल, और अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास है डोजी, यहाँ पर है हमारे पास डोजी कैंडलस्टिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बायर्स भी है और सेलर्स भी है, मतलब यहाँ से बायर्स ने भी पुश किया था और यहाँ से सेलर ने भी पुश किया था, लेकिन मार्केट को ऊपर भी नहीं लेके जा पाए और नीचे भी नहीं लेके जा पाए और यहाँ तक बीच में आकर यहाँ तक क्लोज कर दिया। सो मतलब इस कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स भी नहीं है और यहाँ पर सेलर्स भी नहीं है, मतलब उसकी फाइटिंग हो गई है। यहाँ पर इस कैंडल को हम न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। और अगली कैंडल है हमारी, ये है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि ये अभी ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपन कहाँ पे चालू होगा, यहाँ पर नीचे से, यहाँ से मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, इस कैंडल का ओपन यहाँ तक है। सो सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने पूरा जोर लगाकर यहाँ तक नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर और बायर्स एक्टिव हो गए और मार्केट को ऊपर लेकर जाकर, इस ओपन के भी ऊपर जाकर यहाँ तक क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लोज हो गया और इसके कैंडल का ओपन, और यहाँ तक सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन बायर्स ने, बायर्स के पास इतना जोर था कि बायर्स ऊपर लेकर गए और इस कैंडल को यहाँ तक क्लोज कर दिया। सो इस कैंडल को हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर, जो कि इसको बोलते हैं हम ग्रेवस्टोन डोजी। अब इसका ओपन कहाँ पर चालू होगा, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट और यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है, लेकिन ऊपर ओपन होने के बाद बायर्स ने ऊपर लेकर गए इस कैंडल को, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए और यहाँ पर और सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट को नीचे लाकर, यहाँ तक क्लोज कर दिया। सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये कैंडल में सेलर्स ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी और इसको बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये हमारी डोजी, ये कैंडल न्यूट्रल होती है, ठीक है। ये कैंडल न्यूट्रल हो गई, यहाँ पर आ गए बायर्स और यहाँ पर हैवी हो गए सेलर्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम लॉजिक के साथ ये कैंडल हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। अब यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारा बुलिश हैमर और ये है हमारा, और ये भी है हमारा बुलिश हैमर। क्यों, आपको लॉजिक बता दें, ये हैमर मतलब ग्रीन हो या रेड हो कोई दिक्कत, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता,
बस ऐसा हैमर की तरफ होना चाहिए, इसको बोलते हैं हैमर। अभी यहाँ पर देख सकते हो आप कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, इस कैंडल का है मतलब यार नीचे से ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे आ गए, सेलर्स नीचे लेकर आ गए मार्केट को, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए और यहाँ तक ऊपर लेकर गए बायर्स, और यहाँ पर मार्केट क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर क्लोज कर दिया और यहाँ से ओपन हो गया। ये है हमारा हैमर। इसका यूज़ कैसा होता है, उसका अगर ये सपोर्ट पे अगर आपको मिलता है, सपोर्ट पे अगर ये मिलता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। इसी तरह से मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और सेलर्स ने यहाँ तक नीचे लेकर आ गए, लेकिन यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए और मार्केट को ऊपर लेकर गए और यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसको भी हम बोलेंगे बुलिश हैमर कैंडल। ये हो गए हमारी बुलिश हैमर, और ये हो गया हमारा बुलिश हैमर। ये रेड हो ये ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इस तरह से हमें हैमर की तरह दिखना चाहिए। ये हो गया हमारा हैमर कैंडल, ठीक है। चलते हैं अगली कैंडल स्टिक की ओर। ये है हमारा हैंगिंग मान। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ओपन हो गया है और सेलर्स ने क्या किया कि सेलर्स नीचे लेकर आ गए, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए और बायर्स वापस से मार्केट ऊपर लेकर गए और यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ तक का हाई गया था और यहाँ पर क्लोज कर दिया मार्केट को। ये हमारा हैंगिंग मान है, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। और ये इन्वर्टेड हैमर। ये किस तरह से दिखता है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा जो हैमर रहता है हैमर का उल्टा, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप लॉजिक सुनिए, अभी मार्केट यहाँ से ओपन हो गया, अभी मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स आ गए, बायर्स ऊपर लेकर गए मार्केट को, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, फिर से यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए और मार्केट को यहाँ तक क्लोज कर दिया, यहाँ तक लाया थे मार्केट सेलर्स ने, लेकिन थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ तक क्लोज कर दिया, ठीक है। ये थे हमारी इन्वर्टेड हैमर। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब ये है हमारा पिन बार। इसको पिन बार क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इस बॉडी के हिसाब से इसकी वीक, इसकी जो वीक है ये 2 या 3 टाइम्स इसकी बड़ी होगी, ये जो इसकी वीक है इसकी 2 या 3 टाइम्स बड़ी होगी, इसलिए इसको बोला जाता है पिन बार। अब इसका लॉजिक ऐसा है कि यहाँ पर मार्केट हुआ ओपन, यहाँ पर सेलर्स ने लेकर आए, लेकिन बायर्स इतने हैवी हो गए कि इसको इस मार्केट को ऊपर लेकर जाकर ऊपर यहाँ तक क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है, ठीक है, बायर्स ज़्यादा है, इसलिए ये इसको बोला जाता है पिन बार। इस तरह से दिखते ही आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों ये थे हमारे कैंडलस्टिक, अलग अलग कैंडलस्टिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये आपको PDF अगर चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको ये अगर PDF चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा।